Hello my dear children, today in maths class we revise what comes before. Okay bete, for example dekhiye, pehle bhi maine aapko samjhaya tha, jaise 0 1 2 3 4 5, to humne yahan par before likhna hai. To jaise 1 ka before kya aayega, 0. 2 ka before 1, 3 का बिफोर 2, 4 का बिफोर 3 और 5 का बिफोर क्या हो गया 4. कई बार हम क्या करते हैं, जैसे 0 का, जैसे हमने 1 का, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 1 का बिफोर लिखना हो तो हम गलती से 2 लिख जाते हैं. 2 तो इसका क्या होएगा, आफ्टर होएगा. तो हमने इस बात का बेटा इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हमने क्या करने हैं, बिफोर लिखना है. आगे वाला पीछे वाला ये हमने ध्यान में नहीं रखना, ओनली अपने माइंड में क्या रखना है, बिफोर. फर्स्ट है हमारे पास 9. 9 का बिफोर क्या होएगा, व्हाट इज द बिफोर ऑफ 9, 8. 12 बिफोर 11, 1 बिफोर 0, 16 बिफोर 17 आएगा, नो क्या आएगा 15, 5 बिफोर 4, 14, 14 बिफोर 13, 10 before 9, 7 before 6, 20 before 21 is right or wrong? Wrong. क्या आएगा 19, 18 before 17. तो बेटा ये अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है. पेरेंट्स के आगे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. आपने अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर करना है. फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपने कोई भी नंबर लिखना है इस बॉटम लाइन को टच करके ही लिखना है. ओके बाय, थैंक यू.